अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ननियोला ने आज सेंट्रल जेल हर्बल पार्क से लेकर आर स्कूल चौक तक ओल्ड जगाधरी रोड सड़क को सुदृढ़ करने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण कार्य पर लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क 6 मास में बनकर तैयार हो जाएगी। विधायक असीम गोयल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अम्बाला के विकास में कोई कमी नहीं आने देने का जो विश्वास उन्हें दिलाया था, उसी को धरातल पर उतारते हुए अम्बाला में फिर से एक बार विकास के कामों को तेज किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सेंट्रल जेल हर्बल पार्क से लेकर आर स्कूल चौक तक बनने वाली इस नई सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। सड़क निर्माण के साथ साथ पुलिस लाइन के पास नाले के ऊपर जो पुलिया है उसको भी चौड़ा किया जाएगा, जिसका बजट अलग से है। इस सड़क के बनने से जहां लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वहीं हजारों की तादाद में सुबह शाम सैर करने वाले अम्बाला के लोगों को, मातृशक्ति को इस साफ सुंदर और नई सड़क पर सैर करने का आनंद भी आएगा। सड़क के दोनों तरफ आकर्षक लाइटें भी लगाई जाएंगी। सड़क की जो स्ट्रेंथनिंग की और इसकी सड़क की जो रिकार्पेटिंग की डिमांड जो है बार बार आ रही थी, इसको देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारे इस सड़क को मंजूरी देने की जो है घोषणा की है और आज उसका शिलान्यास किया है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का जो है स्ट्रेंथनिंग भी होगी और रिकार्पेटिंग भी होगी। इसको मतलब इसकी पूरा ट्रीटमेंट जो स्ट्रेंथनिंग के लिए पत्थर तक निकाल के द्वारा पत्थर डाल के लेयर इसकी जो है ट्रीटमेंट की जाएगी, ताकि मजबूती के नाते आने वाले कई वर्षों तक ये सड़क जो है अम्बाला वासियों को उनकी सेवा में रहे। और एक पुली का जो बीच में है इसका, वो अलग से। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।